नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि 2024 में दोस्तों ऑरेंज कैप है तो कौन जीतने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले, अगर दोस्तों वीडियो यह आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है दोस्तों दिल्ली कैपिटल के तूफानी बल्लेबाज डेविड वार्नर। दोस्तों इन्होंने पिछले सीजन में 214 मैचों में 516 रन बनाए थे और जिनका स्कोर जो है दोस्तों वो 87 रनों का रहा था। डेविड वार्नर दोस्तों ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने कि लगभग 7 बार जो है तो दोस्तों 500 प्लस का स्कोर जो है वो आईपीएल में बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा अर्से तक दोस्तों इन्हीं के नाम है आईपीएल में। इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें दोस्तों 131 के स्ट्राइक रेट के साथ पिछले साल इन्होंने रन बनाए थे। इन्होंने दोस्तों 6 अर्धशतक लगाए थे, इसके साथ ही उन्होंने 10 छक्के और 69 चौके लगाए थे। दोस्तों काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन जो है तो दिल्ली को फाइनल में ले जाने के में नाकाम रहे थे दोस्तों डेविड वार्नर, क्योंकि उनका साथ किसी कोई और बल्लेबाज नहीं दे सका। नंबर 4 पर दोस्तों केएल राहुल जो कि गुजरात लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है। दोस्तों इन्होंने पिछले साल 9 मैचों में 274 रन बनाए थे। दोस्तों बीच में दोस्तों आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो मुकाबला हुआ था दोस्तों लखनऊ में, उस मुकाबले में दोस्तों चोटिल होकर बीच में ही दोस्तों ये पिछले सीजन में बाहर हो गए थे आईपीएल से। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 2 अर्धशतक लगाए पिछले साल और 28 चौके लगाए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर है हमारे आरसीबी के बैट्समैन दोस्तों जिनका नाम है कि फाफ डुप्लेसी। इन्होंने पिछले साल दोस्तों काफ़ी तूफानी बल्लेबाजी की थी। इन्होंने 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ दोस्तों 14 मैचों में 730 रन बनाए थे। इनका जो सर्वाधिक स्कोर है वो रहा था दोस्तों 84 रन। इन्होंने काफ़ी बेहतरीन बैटिंग की थी दोस्तों पिछले साल, देख सकते हैं आपकी इनका एवरेज जो है दोस्तों तो 50 प्लस रहा था। इनका कोई भी शतक नहीं था लेकिन दोस्तों इन्होंने जो है तो 8 अर्धशतक लगाए थे और 60 चौके लगाए और 30 दोस्तों इन्होंने बड़े बड़े सिक्स लगाए थे पिछले साल। इसके बाद है दोस्तों हमारे किंग कोहली जिन्हें कि हम रन मशीन कोहली कहते थे। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से बैटिंग करते हुए पिछले साल दोस्तों 14 मैचों में 639 रन बनाए थे। दोस्तों इनका सर्वाधिक स्कोर जो है 101 रन रहा था। जिस सीजन के अंत में दोस्तों विराट कोहली ने 2 शानदार शतक जड़े थे, इसके साथ ही दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट 139 का रहा था। काफ़ी शानदार स्ट्राइक रेट था दोस्तों इनका पिछले साल। हम बातें करते हैं विराट कोहली स्लो खेलते लेकिन दोस्तों पिछले साल इन्होंने काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए थे। इसी के साथ दोस्तों इन्होंने 6 अर्धशतक भी लगाए थे और 65 चौके लगाए और 16 छक्के लगाए थे। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी जो है दोस्तों विराट कोहली की पिछले साल रही थी। इसके बाद दोस्तों है हमारे पिछले साल के ऑरेंज कैप विनर दोस्तों गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज शुभमन गिल। इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों इन्होंने 69 के एवरेज के साथ 17 मैचों में दोस्तों 890 रन जो है तो इन्होंने बनाए थे। इनका हाई स्कोर जो है दोस्तों 129 रन रहा था। इन्होंने शानदार तरीके से दोस्तों 3 शतक भी लगाए थे पिछले साल और 3 जो है तो अर्धशतक लगाए थे दोस्तों। इसी के साथ इन्होंने दोस्तों 85 जो है तो दोस्तों चौके लगाए और 33 छक्के दोस्तों पिछले साल सर्वाधिक चौके लगाने वाले जो खिलाड़ी रहे थे दोस्तों वह शुभमन गिल रहे थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।